الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محترم حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں محترم بزرگوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پچھلے ہفتے ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت سے اس ملک کے ایک انتہائی سینسٹیو اور حساس مسئلے کے تعلق سے ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کو لے کر کے بہت طریقے کی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس مسئلے کے تعلق سے مسلمانوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عدالت عالیہ کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہم تسلیم کریں گے مسلمان اپنی اس بات پر قائم ہیں عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس فیصلے سے مسلمان مطمئن نہیں ہیں مسلمانوں کو بلکہ بہت سارے غیر مسلم دانشوروں کو اور ججوں کو جن کے بیانات آئے ہیں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر موجود ہیں انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا اس مسئلے کے تعلق سے مختلف باتیں ہوتی رہیں گی ہم اس طرف نہیں جائیں گے لیکن عربی کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم دنیا کی کوئی بھی حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے اللہ کو نہیں مانتی اللہ کا انکار کرتی ہے کفر کرتی ہے ایسی حکومت تو زمین پر باقی رہ سکتی ہے لیکن وہ حکومت
जो अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा ना करे, जो जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत करे, वो दुनिया में बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। इंसानी तारीख हमें बताती है कि जुल्म की चक्की जो है वो ज्यादा दिनों तक चली नहीं है। और एक हकीकत ये भी है कि किसी भी मुल्क के अदालती निजाम को, किसी मुल्क की न्याय व्यवस्था को अगर हुकूमत अपने कंट्रोल में ले ले तो ये उस मुल्क के जवाल की निशानी है, उस मुल्क की तबाही की निशानी है। आज के खुतबे जुमा में मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो यह है कि इस्लाम का इस ताल्लुक से क्या नजरिया है, अदल के ताल्लुक से, इंसाफ के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है, और क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी है जहां इंसाफ न किया जाए? इस्लाम में ऐसी कोई सिचुएशन है जहां इजाजत दी गई है अब इंसाफ मत कीजिए? हकीकत यह है कि इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर है, जिन खूबियों पर इस्लाम कायम है, उन खूबियों में से खूबी है अदल और इंसाफ। इस्लाम की बुनियादों में इंसाफ है, अदल है। लेकिन इस्लाम यह कहता है कि अदल का मतलब यह नहीं है कि दोनों फरीक को खुश कर दिया जाए। अदल का मतलब यह भी नहीं है एक फरीक को ज्यादा दे दिया जाए, एक फरीक को कम दे दिया जाए। अदल का मतलब यह है कि जिसका जो हक है उसे वो हक दिया जाए। इसीलिए अदल का ठीक अपोजिट है जुल्म। अदल का मतलब है हकदार को उसका हक दे दिया जाए, और जुल्म का मतलब है हकदार को उसका हक न दिया जाए। और इसीलिए शरीयत की नजर में सबसे बड़ा अदल तौहीद है और सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। भाई इससे बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है कि इबादत जिसका हक है उसको दिया जाए, इबादत अल्लाह का हक है अल्लाह को दिया जाए। और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि इबादत जिसका हक है यानी अल्लाह का, अल्लाह को न देकर के गैरुल्लाह को दिया जाए, किसी और को दिया जाए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब आइए मैं जिस आयत करीमा की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। ये कुरान करीम के 14वें पारे की आयत है, सूरह नहल की आयत नंबर 90, आयत नंबर 90 है। और इस आयत करीमा के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि अजमा आयतिन फिल कुरान, कुरान मजीद की सबसे जामे आयत है, ये सबसे बेहतरीन आयत है। इस आयत के अंदर दुनिया की तमाम खूबियां इकट्ठा हो गई हैं। और ये वही आयत है जिसे आमतौर से हम जुमा के दूसरे खुतबे में, बाद वाले खुतबे में पढ़ते भी हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइज़िल कुर्बा وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ। अल्लाह तबारक व तआला तीन चीजों का हुक्म दे रहा है और तीन चीजों से मना कर रहा है, तीन चीजों से रोक रहा है। नंबर एक, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, हकदार को उसका हक देने का हुक्म देता है, वल एहसान, और दूसरा हुक्म अल्लाह ताला ये दे रहा है कि एहसान करो। अदल का मतलब है हकदार को उसका हक दिया जाए, और एहसान का मतलब है कि हक से ज्यादा दिया जाए। इस्लाम वो दीन है जो अदल से भी एक कदम आगे बढ़ने की तालीम देता है। भाई एक होता है कि आपने हमारे साथ भलाई की, हमने आपके साथ भलाई की, आपने हमें किसी अच्छे काम में पूछा, हमने आपको पूछा, ये अदल है। और एहसान क्या है कि आप हमारे साथ क्या करते हैं ये इससे कोई मतलब नहीं, हम आपके साथ भलाई करेंगे, ये एहसान है। तो अल्लाह ताला अदल का हुक्म देता है और एहसान का हुक्म देता है। और तीसरी चीज, वह ईताइज़िल कुर्बा, और अल्लाह ताला रिश्तेदारों के साथ भलाई करने का, उनको देने का, उनको नवाजने का हुक्म देता है। उलमा ने लिखा है कि अदल और एहसान में सब लोग आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, दूसरे लोग भी आ गए, लेकिन यहां अलग से व ईताइज़िल कुर्बा कहकर के यह बताया गया कि रिश्तेदार का बड़ा हक है,
और तीन चीजों से अल्लाह मना करता है। वयनहा अनिल फाशा, अल्लाह ताला तुम्हें गंदे कामों से मना करता है। ये गंदे काम क्या हैं? जो दुनिया की तमाम शरीयतों में गंदे हैं। जना करना सारी शरीयतों में गंदा काम है, चोरी करना तमाम शरीयतों में गंदा काम है, कत्ल करना तमाम शरीयतों में बुरा काम है। वयनहा अनिल फाशा, अल्लाह ताला तुम्हें गंदे कामों से मना करता है। वल मुनकरी, और अल्लाह ताला तुमको मुनकर से मना करता है। मुनकर का मतलब भी बुराई होता है। मुनकर से मुराद कौन सी बुराई? जिस बुराई का ताल्लुक अल्लाह ताला के हक से हो। वल बगी, और अल्लाह ताला तुमको दूसरों के ऊपर ज्यादती करने से, जुल्म करने से मना करता है। अब यहां बगी से मुराद क्या है? वो बुराई जिसका ताल्लुक बंदों के हुकूक से हो, यानी हुकूकुल्लाह में भी कोई कोताही ना हो, हुकूकुल इबाद में भी कोई कोताही ना हो। तो गोया इस आयत करीमा के अंदर दुनिया की तमाम बुराइयों से मना कर दिया है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला को कहते हैं कि बुराई और भलाई को जमा करने वाली इससे बेहतरीन कोई आयत नहीं पूरे कुरान में। लेकिन यहां भी अल्लाह ने सबसे पहले अदल का हुक्म दिया। ये अदल क्या है? ये अदल ये है कि आप हकदार को उसका हक दें, किसी का हक ना मारें। और यहां अल्लाह ताला ने बिल अदल कहा, ये नहीं कहा कि अदालत में इंसाफ करो, मुतलक कहा, जनरल कहा, कॉमन कहा, अदल का हुक्म दिया। बीवी के साथ अदल करो, बच्चों के साथ अदल करो, लेन देन में अदल करो, शादी ब्याह में अदल करो, बोल चाल में अदल करो, उठने बैठने में अदल करो। जिंदगी के तमाम शोबे इस आयत करीमा के अंदर आ गए। एक और आयत देखिए सूरह निसा की आयत, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम अमानतों को हकदार तक पहुंचा दो, जिसकी अमानत है तुम उसको दे दो। व इजा हकम तुम बैनन नास यंतहकुमू बिल अदल, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल इंसाफ के साथ फैसला करो। इन्नल्लाह मिम्मा यईदुकुम बिही, ये अल्लाह ताला की नसीहत है, जो बड़ी अच्छी नसीहत है, बड़ी बेहतरीन नसीहत है। दुनिया का कोई समझदार आदमी हमें नसीहत करे तो नसीहत के नाम पर आदमी का कान खड़ा हो जाता है कि एक बड़ा और समझदार आदमी हमें नसीहत कर रहा है। यहां रब्बुल आलमीन हमें नसीहत कर रहा है, यहां खालिके कायनात हमें नसीहत कर रहा है कि अल्लाह की नसीहत है, इसको अपने पल्ले बांध लो। यहां भी अल्लाह ने अदल का हुक्म दिया। सूरह अनआम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा कुल्तुम फादिलू, और जब तुम बात करो, जब तुम बोलो तो अदल के साथ बोलो, इंसाफ के साथ बोलो, गलत बात मत बोलो, नाजायज बात मत बोलो। हमारी जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज अदल इंसाफ के तराजू पर खड़ा होना चाहिए। तुम्हारी जुबान से बेईमानी की और गलत बात ना निकले। अदल और इंसाफ जब बोलो तो अदल और इंसाफ के साथ बोलो। लेकिन दुनिया में तो जुल्म हो रहा है, कमजोर का हक मारा जा रहा है, ताकतवर आगे बढ़ रहा है, कमजोर और पीस रहा है। कितने लोग हैं बेईमानी करके बड़ी बड़ी उन्होंने इमारतें खड़ी कर रखी, और कितने बेचारे ईमानदार हैं कोठरियों में जिंदगी गुजार रहे हैं गुर्बत और परेशानी। तो यह सिलसिला कब तक चलेगा? दुनिया की जिंदगी में यह सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ताला फैसला नहीं कर रहा है, फैसला तो कयामत के दिन होगा ना, और कयामत के दिन कोई जुल्म नहीं होगा। وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ। قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر تم لاؤ گے، اتینا بہا، ہم اس کا بھی تم کو برابر برابر بدلا دیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب، آج کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، آج اللہ حساب لینے والا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں ہم حق نہیں دیتے لوگوں کا، دنیا میں ہم زیادتیاں کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں حق دینا پڑے گا۔
لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں حقدار کو اس کا حق دو گے, تمہیں دینا پڑے گا. دنیا میں ہم نے پیسہ لیا تھا, قیامت کے دن یہ کرنسی نہیں چلے گی. انڈیا کی کرنسی سعودی عرب میں نہیں چلتی, ریال میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. سعودیہ کا ریال امریکہ میں نہیں چلتا, وہاں ڈالر میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ وہ ہمارے اعمال ہوں گے, ہماری نیکیاں ہوں گی, ہمارے گناہ ہوں گے. دنیا میں ہم نے زمین ہتھیائی, دنیا میں ہم نے پیسہ ہتھیایا, دنیا میں ہم نے لوگوں کی ذات پر ظلم کیا, اور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اپنی نیکیاں ان کو دیں گے, ان کے گناہ اپنے اوپر لا دیں گے. اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم قیامت کے دن حقداروں کو ان کا حق دے دو گے. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ, یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری میں بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے, سینگ والی بکری نے بغیر بکری بغیر سینگ والی بکری پر اگر ظلم کیا ہے تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا قیامت کے دن. ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لاکھوں نبیوں کو بھیجا, ان نبیوں کو کیوں بھیجا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو شریعت میں دے کر کے بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب, ہم نے ان کے اوپر کتابیں اتاری. والمیزان, ان کو ہم نے حق اور باطل کے درمیان کسوٹی عطا فرمائی. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے. انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے. اور دنیا کی تاریخ میں, دنیا کے اتہاس میں عدل و انصاف کی ایک نئی عبارت لکھنے والے اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم کرنے والے اگر کوئی انسان گزرے ہیں تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. آپ کے جیسا منصف مزاج, آپ کے جیسا عادل پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں گزرا. بڑی مثالیں موجود ہیں اللہ کے نبی کی سیرت پاک میں. بڑا مشہور واقعہ ہے, عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, بڑا اونچا قبیلہ تھا, قبیلہ بنو مخزوم. قبیلہ بنو مخزوم کے اس قبیلے کی, اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی, اور آپ جانتے ہیں کہ چوری کی سزا اسلام میں اگر چوری ثابت ہو جائے تو چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ آیا, معاملہ آیا, آپ نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کاٹا جائے. اب خاندان والے پریشان ہیں, اس لیے کہ چوری بہت بڑی چوری نہیں تھی لیکن عورت بہت بڑے خاندان کی تھی. تو ہمارے دنیا میں کیا دستور ہے کہ اگر کسی کا سامان کسی سے نقصان ہو گیا تو بھائی بھرپائی کر دو, اس کا جرمانہ بھر دو. لیکن اسلام میں جرمانہ نہیں ہے, اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. نبی نے فیصلہ کر دیا ہاتھ کٹے گا. اب خاندان والے پریشان ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی کے فیصلے میں تبدیلی کی گزارش کرے. تو لوگوں نے غور کیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں. تو صحابہ میں کچھ چہتے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے, جن سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے. ان میں ایک حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے رسول کے پالک بیٹے, جن کو اللہ کے نبی نے پالا تھا. آپ کے بیٹے نہیں تھے, پالا تھا جن کو اللہ کے نبی نے, جس کو ہم اپنی زبان میں لے پالک بولتے ہیں. حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے, اسامہ ابن زید, اور اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے, جیسے اپنے نواسوں حسن اور حسین سے محبت کرتے تھے, جیسے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب سے محبت کرتے تھے, ویسے ہی اللہ کے نبی حضرت اسامہ ابن زید سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. تو حضرت اسامہ ابن زید کو لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں, آپ اللہ کے رسول سے سفارش کر دیں ہمارے لیے. بخاری کی روایت ہے, حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں سفارش کرنے کے لیے. نبی اکرم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ بڑے غصے میں فرماتے ہیں اتشفو فی حد من حدود اللہ, اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے بڑی, تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم اللہ کے قانون کو اور اللہ کی حد کو بدلنے کے بارے میں میرے پاس تم سفارش لے کر کے آئے ہو. اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو, تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے, اسی لیے برباد ہو گئے
कि बड़े खानदान का कोई इंसान चोरी करता था उसको छोड़ देते थे, और गरीब खानदान का और गरीब तबके का अगर कोई आदमी चोरी करता था उसके ऊपर हद नाफिज कर देते, उसके हाथ काट देते, उसको सजा देते थे। वह आई ओसामा अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। ये तो कबीले बनू मखज़ूम की औरत है, उस औरत का नाम भी इत्तेफाक से फातिमा था। आपने फरमाया ये तो फातिमा मखज़ूमिया है, ये तो कबीले बनू मखज़ूम की फातिमा है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिगर गोशा, अगर मेरे कलेजे का टुकड़ा, अगर मेरी लाडली और मेरी प्यारी बेटी फातिमा भी चोरी करती, लकतातु यदहा, मैं उसके भी हाथ काट देता। ये अदालत मोहम्मदी का इंसाफ है, ये मेरे रसूल की अदालत है, ये मेरे रसूल का इंसाफ है। यहां हकदार के साथ कोई जुल्म नहीं। अल्लाह के नबी की आप जानते हैं 11 बीवियां थी, जिनमें से 9 बीवियां बैक वक्त आपके साथ रहीं। ऐसा भी जमाना आपकी जिंदगी में आया। और आप जानते हैं कि जब बीवियां एक से ज्यादा हों तो उनके दरमियान अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कुरान करीम ने जहां एक से ज्यादा शादियों की इजाजत दी है वहां एक शर्त लगाई है कि तुम्हें अपनी बीवियों के साथ अदल करना है, इंसाफ करना है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने रसूल के ऊपर कि मेरे नबी अपनी 9 बीवियों के साथ अदल इंसाफ करते थे, किसी के हक में कोई कमी नहीं करते थे, सबको बराबर का हक देते थे। सफर में जाते थे उनके नाम की पर्ची लिख करके डालते थे, और जिस बीवी का नाम आता था उसको सफर में लेके जाते थे, और जितने दिन घर पे रहते थे एक दिन इस बीवी किया, एक दिन इस बीवी किया, एक दिन, आपने 12 मुकर्रर कर रखी थी। यहां तक कि वफात के पहले आपकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने आखिरी अय्याम अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा सिद्दीका के यहां गुजारूं, तो आपने तमाम बीवियों को बुला करके इजाजत मांगी कि तुम अगर इजाजत दो तो मैं अपने आखिरी अय्याम अपनी बीवी आयशा के यहां गुजारना चाहता हूं। तमाम बीवियों ने इजाजत दी। इतने सबके बाद अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, क्या दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हाजा किस्मी फी बा अमलिक, अय अल्लाह मैं अपनी बीवियों के दरमियान मैंने बारी मुकरर कर दी है, मैं कोई सामान देता हूं बराबर बराबर देता हूं, अय अल्लाह ये जो मैंने बंटवारा किया है, मैंने जो तकसीम की है ये मैंने अपने हिसाब से की है, जितने का मालिक मैं हूं उसके हिसाब से की है, फला तलुमनी फी मा ला अमलिक, अय अल्लाह जिस चीज का मालिक मैं नहीं हूं उसमें तू मेरी पकड़ मत करना। यानी एक होता है इंसान के दिल में मोहब्बत जो होती है वो जाहिर सी बात है कि वो तो कम ज्यादा हो सकती है, किसी बीवी की ज्यादा है किसी बीवी की कम है। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह उसकी पकड़ मत करना, वो मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है, जो मेरे कंट्रोल में है जो मेरी ताकत में है वो मैंने तकसीम कर दी, वो मैंने बंटवारा कर दिया। ये मेरे नबी का अदल था, ये मेरे नबी का इंसाफ था। और आगे बढ़िए, गज़वे बद्र के मौके पर आप जानते हैं कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतेह नसीब फरमाई और बहुत सारे कैदी मुशरिकीन के कैद होकर के आए। अल्लाह के नबी ने फैसला किया कि इन कैदियों को फिदिया लेकर के छोड़ा जाए। फिदिया तय किया गया 4,000 दिरहम, 4,000 दिरहम लेकर के इन कैदियों को छोड़ दिया जाए। और फिर उसमें यह हुआ कि जो मालदार लोग हैं उनसे ज्यादा लिया जाए। उन कैदियों में अल्लाह के रसूल के चचा हजरत अब्बास भी शामिल, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और इस जंग में मुशरिकीन की तरफ से लड़े थे वो, और उनको भी कैद किया गया था। सहाबे किराम अल्लाह के नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह ये आपके चचा हैं, आपके बाप के बराबर हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि इनसे फिदिया ना लिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। गौर करें आप, नबी के चचा से फिदिया लेने की बात है। प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, ये मेरे चचा हैं, ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, ठीक है, मगर इस जंग में कैदी बन करके लाए गए हैं और इनसे भी फिदिया लिया जाए, और चूंकि ये मालदार हैं इनसे 4,000 दिरहम से ज्यादा लिया जाए। ये मेरे नबी की अदालत का फैसला है मेरे प्यारे। अदलो इंसाफ, जानते हैं अदलो इंसाफ का खून कहां होता है, अदलो इंसाफ कहां टूटता है, जब या तो अदावत होती है या कराबत होती है। किसी से हमारी दुश्मनी है और हमें उसके बारे में कोई फैसला करना है, बहुत मुश्किल है कि हम अदल और इंसाफ से फैसला करें। या कोई हमारा बहुत करीबी है और कोई फैसला उसके खिलाफ पड़ रहा है तो बहुत मुश्किल है कि हम उसके खिलाफ कर दें। इस्लाम ने इंसाफ के रास्ते की इन दोनों दीवारों को गिराया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा के अंदर,
या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह वलव अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। ए ईमान वालो, हक और इंसाफ का साथ दो, सच्ची गवाही दो, हक और इंसाफ की बात करो। वलव अला अन्फुसिकुम, तुम्हारी अपनी जात के खिलाफ क्यों ना पड़े। यह बड़ा मुश्किल मसला होता है, आदमी बहुत इंसाफ की बात करने वाला है लेकिन अपनी जात की बात आ जाए, जब इंसान की अपनी जात उसकी जद में आए तो वहां अदल इंसाफ का तराजू जो है वो डगमगाने लगता है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अपनी जात के खिलाफ, अपने मां बाप के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ भी तुम्हें अगर गवाही देनी पड़े तो तुम सच्ची गवाही दो। और सूरह मायदा के अंदर दूसरी दीवार भी गिरा दी गई, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा। कहा कि इंसाफ का साथ दो, किसी से तुम्हारी दुश्मनी है तो दुश्मनी का यह मतलब नहीं कि तुम ना इंसाफी करो, तुम्हारे दुश्मन का भी अगर हक है तो उसका हक दो। यह हमारी शरीयत की तालीम। दुनिया का उसूल है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, दुनिया का जवाब है कोई आपको एक मारे आप दस मारो। हमारी शरीयत बदला लेने के बारे में भी अदल का हुक्म देती है। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला उतनी ही बुराई है। आपके साथ किसी ने गलत किया, आप बदला लेना चाहते उतना ही बदला लेना है, कम ज्यादा नहीं लेना है। फमन आफा व असलहा फाजरहु अलल्लाह, और उसको भी अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें सवाब देंगे, हम तुम्हें अजर देंगे। अल्लाह, कैसी पाक शरीयत है, कैसा पाक दीन है, कैसा निजाम है मेरे प्यारे साथियों। मैं कुर्बान जाऊं इस निजाम के ऊपर। दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए, दो खानदानों के बीच में झगड़ा हो जाए, दो मजहब के लोगों के दरमियान में झगड़ा हो जाए और हमें चुकाना है, यहां भी अदल इंसाफ का तराजू जो है बड़ा मुश्किल होता है। दो लोगों में अगर सुलह कराना हो, सुलह कराने में भी अक्सर क्या होता है कि हम किसी एक फरीक का साथ दे देते हैं। कुरान करीम ने यहां पर भी कह दिया कि दो मुसलमानों की दो जमातों में अगर झगड़ा हो जाए, फासलहु बैनहुमा बिलक़िस्त वाक़सितु, अदल और इंसाफ के साथ सुलह कराओ, इसलिए कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अदल इंसाफ दुनिया में भी नजात की गारंटी देता है और आखिरत में भी नजात की गारंटी देता है। बड़ी बेहतरीन और बड़ी जामे हदीस आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासुन मुंजियातु, तीन चीजें इंसान को नजात देने वाली है, तीन चीजों को पकड़ लो बच जाओगे। कौन सी तीन चीजें हैं? खशियतुल्लाह फिस्सर वल अलानिया, सबसे पहली चीज, पब्लिक प्लेस में भी अल्लाह से डरना और प्राइवेट में भी अल्लाह से डरना, सबके सामने भी अल्लाह से डरना और तन्हाई में भी अल्लाह से डरना। इंसान लोगों के सामने अल्लाह से डरता है लेकिन तन्हाई में इम्तिहान होता है उसके तकवा का, उसके डर का। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नजात पाना चाहते हो, खशियतुल्लाह फिस्सर वल अलानिया, सबके सामने भी अल्लाह से डरो और तन्हाई में भी अल्लाह से डरो। और दूसरी चीज, वल अदलु फिर रिजा वल गजब, जब तुम खुश हो तब भी अदल इंसाफ करो और जब तुम नाराज हो तब भी अदल इंसाफ करो। समाज की एक हकीकत यह भी है, औलादों के साथ उनके मां बाप की ना इंसाफी के हमने बड़े नमूने देखे इसी समाज के अंदर। इस मिंबर से बड़ी तकरीरें आपने सुनी होंगी वालिदैन के हुकूक की, वालिदैन के एहसान की, और यकीनन वालिदैन का बड़ा हक है, बड़ा एहतराम है, उनके साथ एहसान करना चाहिए, मगर शरीयत में वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियां बताई, और उन जिम्मेदारियों में से बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अपनी औलाद के साथ इंसाफ का मामला करें। बड़ी मशहूर हदीस हजरत नुमान बिन बशीर की कि वो अल्लाह के नबी के पास आए थे, उनके वालिद हजरत बशीर अपनी जायदाद का कोई हिस्सा उनको देना चाहते थे, तो अल्लाह के नबी ने हजरत बशीर से बस एक ही सवाल किया था कि तुम अपने एक बेटे को जो प्रॉपर्टी देना चाहते हो क्या सबको दे रहे हो? कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, सबको नहीं दे रहा। तो अल्लाह के नबी ने बड़े गुस्से में कहा था कि मुझे इस हेबा के ऊपर तुम मुझे गवाह मत बनाओ, मैं किसी जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के दरमियान भी इंसाफ कीजिए। वल अदलु फिल गज़ब वर रिज़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी चीज जो इंसान को नजात देने वाली है, इंसान जब खुश हो तब भी इंसाफ करे और जब नाराज हो तब भी इंसाफ करे। औलाद से आप नाराज हैं,
औलाद आपकी नाफरमान है, औलाद आपकी बात नहीं मानती, या आपकी जुबान में औलाद नालायक है, तब भी आपको हक नहीं है कि आप उसको उसके हक से महरूम करें। वल अक्ल फिल गज़ब वर रिज़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि राजी हो तब भी इंसाफ करो और नाराज हो तब भी इंसाफ करो। और तीसरी चीज जो नजात देने वाली है, वल कस्दु फिल फक्र वल गना, गरीबी हो तब भी दरमियानी चाल चलो और अमीरी हो तब भी दरमियानी चाल। गरीबी में तो सब लोग चलता है दरमियानी चाल, भाई जिसके पास है ही नहीं वो तो दरमियानी चलेगा ना, लेकिन जब हो आपके पास सब कुछ और उसके बाद भी आप बीच का रास्ता अपनाएं, मियाना रवि अपनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। वल कस्तु फिल फक्र वल गना, अल्लाह के नबी ने नजात का तीसरा रास्ता बताया कि जब तुम फकीर हो, जब तुम गरीब हो, तब भी बीच का रास्ता और दरमियान का रास्ता अपनाओ, और जब अमीर हो तब भी दरमियान का रास्ता। और तीन चीजें आपने फरमाया कि हलाक करने वाली है। नंबर एक, हवन मुत्तबा, इंसान अपनी ख्वाहिशात की अंधी पैरवी करे, जो मन में आए वो करे, जो मन में आए वो खाए, जो मन में आए वो पिए, जो मन में आए वो जाए, इंसान अपने मन का पुजारी बन जाए, इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं। वह हवन मुत्तबा, पहली जो इंसान को हलाक करने वाली चीज है, इंसान अपनी ख्वाहिशात की अंधी पैरवी करे। और नंबर दो, वह शुहुल मुता, माल की ऐसी मोहब्बत इंसान के दिल में आ जाए कि माल जो कहे इंसान वो करे, माल की मोहब्बत उसको रोक रही, मस्जिदों में चंदा नहीं दे रहा है, हालांकि वो इस लायक है कि अपने अपने हाथों से बहुत कुछ कर सकता है। माल की मोहब्बत उसको मना करे, उसके मोहल्ले के गरीब बच्चे भूख से मर रहे हैं लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो अपने माल की मोहब्बत से मजबूर है। वशुहुल मुता, अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी हलाक करने वाली चीज है। इंसान के अंदर माल की मोहब्बत सबके अंदर है, लेकिन माल की मोहब्बत इतनी पैदा हो जाए कि इंसान अपने माल की मोहब्बत की इताअत करने लगे, उसकी फरमा बरदारी करने लगे, ये इंसान को तबाही कर तबाह करने वाली चीज। और तीसरी चीज, वह एजाबुल मरई बिनफ्सिही, घमंड, गुरूर, अपने पैसे का, अपने इल्म का, अपनी सलाहियत का, अपने टैलेंट का, अपने नाम का, अपनी शोहरत का, अपने स्टेटस का, अपने मकाम का, अपने मर्तबे का, अपनी जात पर किसी भी तरीके का गुरूर है, तकब्बुर है, घमंड है, अहंकार है, ये इंसान को हलाक कर देना। तो इस हदीस पाक में जो बड़ी बेहतरीन और जामे हदीस है, जो हमें सबक मिला कि हम अपने इंसान के तकाजों को हरा दें। बहरहाल गुफ्तगू मेरी तवील हो गई, अर्ज यह करना था कि मुल्क में जो ये फैसला हुआ, इस फैसले के क्या असरात आगे आएंगे वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक बात तय हो गई कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के की साख मुतासिर हुई। और दूसरी बात जो हम अपनी कौम को मुबारकबाद दे सकते हैं कि हमारी कौम ने बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया, और हो सकता है अल्लाह ताला ने एक सबक हमको ये भी दिया है, असा अंतक रहू शैया बहुआ खैरुल लोग, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक में बेहतर साबित हो। बहरहाल इस मसले का एक बेहतर पहलू यह है कि जानो माल पर किसी किस्म की आंच नहीं आई, किसी किस्म का फसाद नहीं हुआ, किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ, और सुकून के साथ ये मामला जो हुआ था वो हो गया। आइए हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अमन और अमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला, और मैं आपको यह भी बता दूं कि फिरका परस्तों की नजर और कई मस्जिदों पर है, और कई मस्जिदों पर है, और हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने शहर से 300-200 किलोमीटर दूर की उस मस्जिद के बारे में इतनी फिक्र रखते हैं, हम अपने मोहल्ले की मस्जिदों को पहले आबाद करें। कितनी मस्जिदें आज घोड़ों का अस्तबल बन गई, डांस बार बन गई, नाचने गाने की जगह बन गई पंजाब के अंदर, उंदलुस के अंदर, जहां आज जहां कल सज्दे होते थे आज वहां डांस हो रहे हैं। क्यों? हम उनको छोड़ करके चले गए, या यूं कह लीजिए कि हमें वहां से निकाल दिया गया। तो मस्जिद का सबसे बड़ा हक यह है, वहां वहां रंग पेंट का नंबर बाद में है, उसकी डिजाइनिंग का नंबर बाद में है, उसके लाउड स्पीकर और माइक सिस्टम का नंबर बाद में है। मस्जिद का सबसे बड़ा हक यह कि मस्जिद को आबाद किया जाए, वहां नमाज की पाबंदी की जाए, अल्लाह के जिक्र से उसको आबाद किया जाए। तो आप अपने मोहल्ले की, अपने करीब की मस्जिदों को आबाद कीजिए। इतना बड़ा मामला हुआ लेकिन मस्जिदें वैसी ही खाली की खाली हैं, नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं, मस्जिदें आज भी जो है वीरान पड़ी हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से और नफरत करने वालों और नफरत की सियासत करने वालों की नफरत से हमारे मुल्क को पाक रखे। रब्बुल आलमीन इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को आपस में यकजहती, अमन और सुकून और शांति के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए।
रब्बुल आलमीन हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो कारोबार से रोजी रोटी से परेशान हैं रब्बुल आलमीन उनको रिस्क हलाल की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन सबकी माली मुश्किलात को दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के तमाम अहले इस्लाम और अहले ईमान की हिफाजत फरमाए और हर किस्म के शर से हम सबको महफूज रखे। जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين امين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون।